ओए आ गए भी कहां भी हेड अबे यहां हाँ भाई लड़कों, तो यकीनन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि V8 की कहानी क्या कहानी है। तो फिर व्लॉग को इधर ही रोकते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रेलर से। हेलो, भाई रिजवी ने आर्ट लॉक का जब बोल ही दिया है तो चले फिर V8 दिखाते हैं V8 के बजाय। भाई एक और शौकीन के पास आया हूँ और आज इस शौकीन से पूछता हूँ इसके अपने बछड़े के बारे में, जिसकी मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो भाई सबसे पहले तो सामा भाई, आप ये बताओ कि शौक कैसे शुरू हो गया, V8 मतलब है ले लिया ऐसे कैसे? यार बस ये ऐसा था कि शौक तो हमें शुरू से ही था, लेकिन बस एक दफ़ा हमारे भाई हैं कुछ, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि यार फला फला जगह गाय खड़ी हुई है तो उसके पीछे बड़ा अच्छा बच्चा है, ऐसा करो गाय ले लो ये वो। तो बस उस वक्त गाय ले ली थी, शौक शुरू से था लेकिन कोई ऐसा खास शौक नहीं था। बस कितने टाइम पहले की बात है? ये तकरीबन 2 साल हो गए, 2.25 साल ना। तो अच्छा। गाय ले ली, अब गाय के पीछे जब बच्चा ये आया, अब उस वक्त तो थोड़ा सा वो हुआ कि यार चलो अल्लाह मालिक है, कोशिश करते थे उसको करा पाला, डक में छोड़ दिया ऐसी पलता रहा। फिर लास्ट टाइम बस जो 5-6 महीने पहले बकरीद पर कुर्बानी पर हमने जब इसको बांधा था, ग्रोथ करता रहा, बहुत अच्छा होता रहा, कुछ भी नहीं ऐसी खाली। फिर इसको जब ढक से बाहर निकाला तो ये और ही चीज़ कुछ नहीं आने की, आपको पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, घूमता रहता बस ढक में, कुछ भी नहीं पता था। बस जब ये बाहर नहीं आ गया तो माशाल्लाह फिर इसका भी 5-6 महीने से मेहनत शुरू करी है। तो बस माशाल्लाह से इसने ऐसा कमाल दिखाया बछड़े ने कि बस आपको क्या बताएं भाई। इसकी एक शौक पे माशाल्लाह से ये आज अच्छा खासा माल बांध दिया, एक बछड़े ने इतना शौक चढ़ा दिया कि ये भरपूर तरीके से फिर माल बांध दिया और ऐसा हो गया। बस अब शौक इस बछड़े से शौक जुड़ा था और ये फिर ये सारा माल बन गया है, बाकी अल्लाह मालिक है, मैंने इस पर भरपूर कर रहे हैं। नहीं यार वाकई बछड़ा तो भाई बहुत VIP, मैं शॉर्ट बीच में लगाए हुए होंगे वो आप लोगों को पसंद भी आएंगे। ये बछड़ा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माना जाता है, यानी कि इसके ऊपर फार्मिंग की बुनियाद रखी गई थी ब्राह्मण के ऊपर। तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उसमें से एक कैटेगरी होती है V8। अब V8 की जो कैटेगरी ये है, वीडियो देना देखें फिर आपको आगे वॉइस ओवर बता देंगे क्या इसकी खासियत। V8 सिर्फ एक बुल नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सबसे पहले शुक्र करता हूँ सर विलियम्स का, जिम विलियम्स, जो कि V8 रांच के ऑपरेटिंग मैनेजर हैं कुछ लास्ट 50 ईयर्स से। मेरी उनसे ईमेल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन रही क्योंकि मैं ख़ुद एक कोर्स कर रहा हूँ लाइफ स्टॉक के ऊपर, एंड आई होप कि मैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। सिर्फ शौक था जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स पिक किया और होपफुली अब वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। खैर V8 की बात करते हैं, तो बेसिकली जो मेरी डिस्कशन विलियम्स या फिर जेफ या इस तरीके के और कई लोगों से हुई जो कि मैक्सिको में रहते हैं या फिर अमेरिका में लोग ये लोग काम कर रहे हैं ब्राह्मण्स के ऊपर, इन ब्राह्मण जर्नल के ऊपर, जो एक्चुअली जानते हैं इन चीज़ों को, जिन्होंने रिसर्च की है और तकरीबन 76 ईयर्स की रिसर्च है ये, क्योंकि ब्राह्मण या फिर V8 की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। बेसिकली V8 सिर्फ एक बुल का नाम दिया गया था, यानी कि ये कोड है, ये कोई ब्राह्मण का एक्चुअल नेम नहीं है। इसी के अंदर की बहुत सारी कैटेगरीज निकाली गई थी जो कि बहुत सारी कोडिंग्स में आई, यानी कि 360x10, 146x7, 817x10, 390x2, इस तरीके के बहुत सारे कोड्स दिए गए इस ग्रे ब्राह्मण ब्रीड को। क्योंकि जब भी अमेरिका में, मेक्सिको में या फिर कनाडा या जितने भी मुल्क हैं वो ब्राह्मण जनरल के ऊपर कोई भी चीज़ फीड करवाते हैं तो उन्हें एक कोड देना पड़ता है किसी भी क्रॉस ब्रीड को। जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस ही नहीं रही कि हम किसी भी ब्रीड को कोई नाम दे सकें, हमें उसके ओरिजिन का भी पता नहीं होता, हम हर चीज़ को साहिवाल है, ब्राह्मण है, इसी चीज़ का नाम दे के छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ की इन डेप्थ चीज़ों का हमें आइडिया ही नहीं है। तो खैर
पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे है, मगर वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता है और लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारी इकनॉमी को भी सपोर्ट करती हैं। वेल, बैक टू द पॉइंट, V8, दिस इज़ अ काइंड ऑफ V8 801/7, और ये एक बुल का नाम है, और पाकिस्तान में यकीनन V8 रांच के थ्रू इनहेरिट होके आपके जनरल के अंदर फीड हुआ, यानी कि जनरल जो कि ब्राह्मण के ऊपर बनाया जाता है, उस कैटलॉग के अंदर इसको V8 801/7, यानी कि ग्रे ब्राह्मण इसका ओरिजिन और V8 रांच इसकी फैमिली या ब्लड लाइन बताया गया। अब बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो समझना नहीं चाहेंगे। खैर, हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं यही बताता चलूँ कि दिस इज ग्रे ब्राह्मण एंड दिस बुल वॉज ब्रीड बाय V8 रांच। जैसे कि मैंने पहले बताया कि V8 कोडिंग या फिर बुल का नेम रखा गया था, जिसके बहुत सारे वेरिएंट्स जनरल के अंदर कैटलॉग के शक्ल में मौजूद हैं, और यकीनन ये भी एक क्रॉस होते होते पाकिस्तान पहुंचा। अब पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी इसका कोई आर्टिकल या फिर इवन डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद होगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे लाइफ स्टॉक का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे ब्राह्मण और ब्रीडिंग के चैप्टर्स मौजूद होंगे। अब दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ओए भाई, V8 की वीडियो मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी, बहुत थकायत बछड़े ने, जितनी बड़ी जान उतना बड़ा टास्क हमारे लिए माशाल्लाह, लेकिन वीडियो बड़ी मेहनत से शूट हुई है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही हमारे लिए भी, उम्मीद है ऐसी वीडियोस पसंद आएंगी। अगर और किसी ब्रीड के ऊपर पता चलेगा तो ब्रीड के ऊपर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।